हाय, आज हम चलने वाले हैं रुद्रप्रयाग के जगह कार्तिक स्वामी टेम्पल में, जो उत्तराखंड में स्थित है। और ये टेम्पल डेडिकेटेड है शिव भगवान के बड़े बेटे कार्तिक के लिए, और कार्तिक स्वामी का टेम्पल है ये। आइए देखते हैं आगे की जर्नी मेरे साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 6 ऑफ माय चैनल व्लॉग ऑन विद सौरभ शर्मा। जैसे आप देख सकते हो पीछे का खूबसूरत नज़ारा ये। मैं इस वक्त हूँ गुप्त काशी में। कल सुबह इधर आया था एंड अभी मॉर्निंग के अराउंड 8 o'clock हो रहे हैं एंड द टेम्परेचर इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 4 or 5 degrees। बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। कल रात को इधर बहुत ज़ोरों से बारिश हुई थी, इसके वजह से इतनी ठंडी पड़ रही है इधर। एंड कल मैं सॉरी क्लोजिंग वीडियो नहीं कर पाया, क्योंकि कल मैं जैसे ही 7:30 को इधर आया खाना खा के मैं सो गया था। भयंकर ठंडी थी क्योंकि इधर। आज मेरा प्लान है कि मैं आज एक जगह इधर जाने वाला हूँ, उसका नाम है कार्तिक स्वामी। एक्चुअली मैं जाने वाला था चौपटा, बट देन चौपटा इधर के लोकल्स ने बोला कि बर्फ के कारण बंद है वो, तो आप ऊपर तक नहीं जा पाओगे, तो इट डजेंट मेक सेंस गोइंग ऑल द वे देयर। चौपटा जो है, इसको मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ उत्तराखंड भी कहा जा सकता है। एंड ये एक छोटा सा कस्बा है उत्तराखंड में केदारनाथ के इधर। एंड ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केदारनाथ में, उसका हिस्सा है। तो मैं इधर एक्चुअली इधर जाने वाला था, बट देन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी, तो इसलिए मैं इधर जा नहीं पाया था। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत एरिया है ये। इधर बहुत सारे लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं बेसिकली। सो अराउंड 50 to 60 kilometers फ्रॉम हेयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड कार्तिक स्वामी। आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ दैट प्लेस इज़ गोइंग टू बी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ऑल्सो गोइंग देयर। सो जैसे ही मैं उधर जाता हूँ मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। एंड जस्ट अभी आई विल गेट फ्रेशनड अप एंड उसके बाद थोड़ा चाय पानी नाश्ता करेंगे। एंड नाश्ता करके जैसे हम निकलेंगे तो आपको मैं मेरे सफ़र के बारे में बताता हूँ। एंड अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है व्लॉग ऑन विद सौरभ। एंड ऑल्सो कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आप कार्तिक स्वामी करके जो जगह है उत्तराखंड में, उधर आप गए हो कि नहीं। अगर गए हो तो कैसी जगह है एंड आपको क्या चीज़ उधर की पसंद आई वो बताइए। अगर नहीं गए तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा वो जगह का जब मैं उधर जाऊंगा, ताकि अगर इन फ्यूचर आपको उधर जाना है मेरे वीडियोस देख के तो आप ज़रूर जा सकते हैं। टिल देन सी या, टेक केयर, आई विल मीट यू सून, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, सुबह के 9:30 बज चुके हैं एंड अभी जस्ट मेरा नाश्ता हो गया है। मेरी कार वेट कर रही है, 9:30 बजे तक मेरी कार आना भी है। एंड जैसे ये नाश्ता हो जाएगा मैं निकलने वाला हूँ कार्तिक वैली के लिए। सो गाइस, मैं निकल चुका हूँ कार्तिक स्वामी के लिए एंड ये जो रास्ता है, ये रास्ता है कार्तिक स्वामी जाने के लिए। एंड ये अराउंड डिस्टेंस 70 किलोमीटर्स, सो गुड टाइम लगने वाला है, करीब करीब अराउंड 1.5 घंटा इधर से जाने को। एंड मैंने जस्ट अभी गूगल किया था तो देखा कि इज अराउंड एक टेम्पल है उधर एंड 3 किलोमीटर का ट्रैक है, बट देन आई एम नॉट श्योर मैं वो ट्रैक करूँगा कि नहीं। मैं अभी उधर जाके देखूँगा क्या है और क्या नहीं, एंड उस हिसाब से मैं फिर आपको अपडेट देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, लेफ्ट साइड में मेरे नदी है एंड सामने आप जो देख रहे हो वो है हिमालय पर्वत। हम उधर ही जाने वाले उसके ऊपर एक्चुअल में। ये जो है दोस्तों, मैं अभी पहुंच चुका हूँ एंड ऑलमोस्ट अराउंड आधा घंटा बाकी है एंड मुझे पहुंचने के लिए। बस अभी मैं जैसे उधर पहुंचता हूँ मैं आप लोग को अपडेट देता हूँ कि वो जगह कैसी है। देखिए बर्फ़ पड़ना चालू हो चुकी है, तो आई एम श्योर मुझे वहाँ बर्फ़ मिलने वाली है बहुत सारी। सो ये जो है दोस्तों, मैं इधर का जो मंदिर है उधर पहुंच चुका हूँ। ये इधर से मंदिर का एंट्रेंस है। तो जैसे लिखा है कार्तिक स्वामी मंदिर मार्ग 3 किलोमीटर, सो ये एक रास्ता है, इधर से हम ऊपर जाते हैं एंड पहाड़ों के ऊपर ये 3 किलोमीटर ट्रैकिंग काइंड ऑफ है जिसको करके हम वो मंदिर में कार्तिक स्वामी के जा सकते हैं। अभी जस्ट हाफ एन आवर हुआ है हमें ट्रैक करके ऊपर एंड आप देख सकते हो पूरे ट्रैकिंग के रास्ते पे जो है ये बर्फ है। बहुत ही स्लिपरी रोड है ये, जो रोड भी नहीं कह सकते इसको। राइट हैंड साइड में हमारे खाई है और ये बर्फ के ऊपर से हमें पतले पतले रोड पे से चल के जाना पड़ रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा जंगल है लिटरली, इधर कोई रास्ते नहीं है कैसे जाना है आपको। सिर्फ वो जो ट्रेल ऑलरेडी लोग जो जाते हैं वो देख के आपको जाना पड़ता है एंड बहुत ही डरावना ट्रेल है और ट्रैक है ये। अगर आप अकेले आ रहे हो तो आई एम श्योर यू विल गेट लॉस्ट, यू नीड कोई लोकल्स का हेल्प उसके लिए।
ये देखिए चारों तरफ आपको सिर्फ पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे इधर और कुछ नहीं है। ये रास्ते के सामने जो आप राइट हैंड साइड में अगर देखेंगे नजर डालेंगे कभी तो आपको सिर्फ वैलीज दिखेंगे एंड बर्फ दिखेगा। सो इतना रिस्की है ये ट्रैकिंग। सो ये जो है मंदिर के लिए ऊपर का रास्ता है ये, एंड अभी और कितना ऊपर है मंदिर? आधा किलोमीटर और आधा किलोमीटर है। सो अभी ये जो रास्ता है इधर से ऊपर और आधा किलोमीटर मंदिर है, एंड इधर आप चाहे तो ब्रेक ले सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, चाय पानी नाश्ता कर सकते हैं, एंड इवन इधर वॉशरूम्स है, तो अगर आप लोग को वॉशरूम जाना हो तो यू कैन यूज दिस वॉशरूम ऑल्सो। सो ये जो है एंट्री है, फाइनली पहुँच चुके हैं और थोड़े कदम चलने बाकी है एंड देन अपन पहुँच जाएंगे भगवान के दर्शन करने को। इसी के साथ हम अभी मंदिर पहुंच चुके हैं। अभी मैं आपको मंदिर के अंदर का नजारा दिखाता हूँ कैसा है ये मंदिर। फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं अपन मंदिर में। ये मंदिर है, इधर से खूबसूरत नजारा है, देखिए लगभग लगभग 3 किलोमीटर चले हैं, बहुत ही थक चुके, सांस फूल रही है, तो मेरी ऑडियो आपको शायद से क्लियर ना आए। ये मंदिर है, देखिए मंदिर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, थोड़ी बहुत बर्फ इधर भी है और इधर से शायद से नीचे जाने का रास्ता है। तो आपको ये मंदिर कैसा लगा, इधर का नज़ारा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है व्लॉग ऑन विथ सौरभ। तो ये मंदिर है, अंदर की फ़ोटोज़ अनफॉर्चुनेटली मैं खींच नहीं सकता हूँ क्योंकि अलाउड नहीं है, जैसा आपने देखा इधर अंदर फ़ोटो खींचना मना है। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ मालूम पड़ी है कि यहाँ लड़कियाँ लोग नहीं आ सकती, एंटर कर सकती ये मंदिर में, इट्स ओनली जेंट्स आर अलाउड टू गो इनसाइड। मे बी ये सिमिलर है अपने जो साउथ में केरला में अय्यप्पा का मंदिर है, वही कार्तिकेय भगवान और अय्यप्पा एक है जहाँ तक मेरा नॉलेज है, तो इसीलिए शायद से इधर भी मंदिर में जैसे केरला में दे डोंट अलाउ इन शबरीमला स्वामीशनम अय्यप्पा मंदिर, उसी तरीके से इधर भी अलाउ नहीं करते हैं। आपको कैसा लगा ये मंदिर ज़रूर बताइएगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में। अभी जस्ट हम लोग नीचे उतरे हैं एंड ये एक होटल है कार्तिकेय होटल। इधर हम जब ऊपर जा रहे थे तभी खाना ऑर्डर कर चुके थे ऑलरेडी कि क्या खाना है, एंड जस्ट अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं। सो अगर आपको भी इधर आके खाना खाना रहेगा तो इधर इस होटल में आके आप खाना खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो आज दोपहर को जैसे मैं आप सबको बताया था मैं कार्तिक स्वामी गया था, उधर से आके मेरे को अराउंड 6 बज गए थे एंड अभी का जो टाइम है वो है 7:45। यस अभी सिर्फ शाम के 7:30 करीब बजे हैं एंड आप देख सकते हो पूरा मार्केट जो है इधर का पूरा कम्प्लीटली बंद हो चुका है। इधर पब्लिक सब 7 बजे के करीब करीब अपना काम धंधा बंद कर देती है। उधर जो एक आगे आपको दिख रहा है खाने का है वो है चौहान, जो मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बताया था चौहान होटल, जो डिनर भी सर्व करता है एंड वो भी 8:30 तक मैक्सिमम ओपन रहता है। सो अभी मेरी जो है तैयारी कल की जाने की, शायद से मैं जाऊंगा हरिद्वार एंड हरिद्वार जाके मेरे को मैं सोच रहा हूँ उधर के कुछ प्लेसेस को एक्सप्लोर करूँ एंड वो एक्सप्लोर करके लेट्स सी मेरी कल की जर्नी कैसे निकले। आई एम प्लानिंग टू लीव बाय अराउंड मॉर्निंग 7 बजे तक मैं सोच रहा हूँ कि मैं इधर से निकल जाऊँ। ओके एंड इधर ही बस मिल जाती है मेरे को हरिद्वार की 7:00 AM, सो मेरे को किधर ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो देखते हैं कल का गाइस मेरा प्लान कैसा क्या होता है, मैं आपको उस हिसाब से अपडेट कर दूंगा।
एंड आपको मेरा व्लॉग और मेरी जर्नी कैसी लग रही है उसको श्योरली बताइए आपके मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए आपके विचारों को. एंड मेरे व्लॉग का नाम है व्लॉग ऑन विद सौरभ. सो अभी के लिए गुड नाइट सबको. कल मिलता है अपन मॉर्निंग में वंस अगेन. बाय बाय, टेक केयर.